हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 6 जीवों में श्वसन। सबसे पहले देखो, वो जो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो एक साल के बाद शहर आ रहे थे, वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह आ क्यों रहा है, तो बूजो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उससे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूजो के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। देखो, हम सांस श्वसन क्यों करते हैं? तो देखो, अध्याय 2 में हम पढ़ चुके हैं कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। और कोशिका क्या है? जीव की एक छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते तथा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निमुक्त होती है। अंतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु से सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाई की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समर्थ होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में होता और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकाओं में भोजन के विखंडन से के प्रक्रम से मुक्त ऊर्जा मुक्त होती है। इसे हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति या उपयोग द्वारा होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा निकलती है। आप देखो, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। संभवतः आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे जो अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, जैसे ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय श्वसन कहते हैं। और ऐसे जीव, एक कोशिकीय जीव यीस्ट जैसे अवायवीय श्वसन द्वारा क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऐसे इन्हें जीवों को हम क्या कहते हैं? अवायवीय जीव कहते हैं। देखो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। देखो, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या प्राप्त करेगा? एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब देखो, यहाँ दे रखा है यीस्ट एक कोशिकीय जीव है और यीस्ट अवायवीय श्वसन से श्वसन करता है और इस प्रक्रिया में एल्कोहल निर्मित होता है। अंत उपयोग इसका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने में किया जाता है। अब देखो, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन करती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने तथा भारी भोजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा क्या करते हैं? ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करते हैं। अब देखो, ग्लूकोज पेशी में ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्राप्त करते हैं या ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? तो ऐंठन तब होती है जब पेशी अवायवीय रूप से श्वसन करती है। और इस प्रकार के प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और लैक्टिक अम्ल का संचय कहाँ हो जाए? पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। और गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान करना अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। अब देखो, श्वसन
अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए, आप कितनी देर तक क्या है इन दोनों को बंद रख पाएंगे। कुछ समय बाद आपको यह महसूस किया है कि आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोके रख सकें। अंत अब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस के लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समर्थ वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समर्थ वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समर्थ वायु को शरीर से अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समर्थ वायु को बाहर निकालना उस श्वसन कहलाता है। देखो, कार्बन ऑक्सीजन से समर्थ वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समर्थ वायु को बाहर निकालना उस श्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन उस श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उस श्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता कर सकते हैं लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 6.2। सामान्यतः हमें यह आभास नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतः श्वसन करते हैं जितनी बार रूप श्वसन करते हैं? अब तेजी से चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर या श्वसन संख्या मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद याद कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 6.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। उपयुक्त क्रियाकला से आपने यह अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिका को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निमुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? जब आप अनिदे होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम होती है हो जाती है? क्या आपको शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? क्रियाकलाप 6.2। किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होगी? अपने अनुभव के आधार पर चित्र 6.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में संख्या द्वारा व्यक्त कीजिए। अब देखो, श्वसन या सांस कैसे लेते हैं। आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि जाने। सामान्यतः हम अपने नथुनों नासा द्वार के वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। देखो, ये जो भाग है ये सभी क्या कहला मानव श्वसन तंत्र का भाग है, जिसमें सबसे ऊपर होता है नासिका, जिसमें नासा गुहा है, उसका अगला भाग नासा गुहा और नासा गुहा ग्रसनी में खुलता है। और ये जो भाग है ये मुख गुहा कहलाती है। अब ये जो श्वास नली है इसको हम ग्रसनी या उसके ग्रसनी जो भोजन वाली नली है उसके साथ में एक नली चलती है जिसे हम क्या कहते हैं श्वास नली कहते हैं। अब दो जोड़ी हमारे क्या होते हैं, इनमें फेफड़े पाए जाते हैं दायां और बायां भाग, और इनको सुरक्षा प्रदान करती है पसलियाँ। और पसलियों के नीचे क्या होता है, एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो अब देखो होते हैं वक्ष गुहा क्या है। पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम मध्यपट कहलाती है। वह वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं उस श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष का गुहा का आयतन कम हो जाता है और इस कारण वायु फेफड़ों में से बाहर धकेल दी जाती है। अब देखो, हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूल ध्रुम है, धूल है, पराकण आदि होते हैं। और जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। और यदि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींक से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल आते हैं। इस कारण केवल स्वच्छ वायु ही शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी बरतें कि जब आप छींकते हो तो आपकी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाल गए कण अन्य व्यक्ति द्वारा अंतः श्वसन के समय ग्रहण न कर दिए जाए। अब देखो, अंतः श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें देखो क्या होता है। अंतः श्वसन के समय डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, पसलियां बाहर की तरफ और सांस अंदर की ओर प्रवेश करती है। और उस श्वसन के समय जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं उस समय क्या होता है, डायफ्राम ऊपर की ओर गति, पसलियां अंदर की ओर और जो फेफड़े अंदर की ओर गति करते हैं और वायु बाहर की ओर निकलती है। अब देखो, हमारे शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उधर पर रखिए और उधर की गति को अनुभव कीजिए। आप पाते हैं कि यह क्या पाते हैं कि यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के अवमाप में परिवर्तन होता है। बच्चे सीना वक्ष फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा है कि वह सीने को अधिक
सबसे अधिक क्या है, फुला सकता है, सकती है, क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। क्रियाकलाप 6.4, हम गहरी सांस लीजिए और किसी मापन फीते से वृक्ष का क्या है माप लीजिए, और इस माप को सारणी 6.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वृक्ष का क्या माप लीजिए, बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया है, और हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप मॉडल के रूप में समझा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक क्रियाकलाप करना होगा जिसमें हमें क्या प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए, इसके फेंदे को काट कर अलग कर दीजिए और वाई के आकार की एक आज तथा प्लास्टिक की एक नली लीजिए और बोतल के ढक्कन में एक छेद कीजिए और जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के शाखित सिरे पर दो गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए और नली को चित्र 6.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायु रुद्ध हो जाए। बोतल के खुले फेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक के साथ एक पतली सीट तान कर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारों को देखिए, क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं, रबड़ की परत किस किसे प्रदर्शित करती है, और अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए हैं। अब देखो हम उस श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं, तो इसके लिए क्रियाकलाप है क्या करना है, कोई पतली स्वस्थ परख नली जिसमें कॉक लगा लो लगी हो, यदि परख नली उपलब्ध ना हो तो हम कांच की क्या ले सकते हैं, या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं, और परख नली में थोड़ा सा ताजा जल बना चूने का पानी डालिए और प्लास्टिक की एक स्ट्रो नली को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रो को बाद धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए, क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन हो दिखाई देता है, क्या आप इसे अध्याय 5 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतः श्वसन या अवशोषण करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है, हम क्या उच्छ्वसित करते हैं, क्या हम गैस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उससे साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित श्वसित करते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है, यह नमी के कारण है, जल के ये बिंदु कण कहाँ से आते हैं। अब देखो अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, हाथी गाय जो शेर गाय बकरी मेंढक छिपकली सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं, जीव श्वसन कैसे करते हैं, क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं, आइए बता करें। देखो कॉकरोच, अब देखो कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं, ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं, और गैस कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। अब देखो ऑक्सीजन समद वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के उत्कों में विसरित हो जाती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाती है। इस प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। देखो इसमें क्या है, जो कॉकरोच है या जो कीट है उनके जो पार्श्व भाग में क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जहाँ से क्या है जो वायु प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और यहाँ से क्या है ये जो वायु है वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाती है, उत्कों में और कोशिकाओं तक पहुंचकर उसमें कोशिकाओं तक पहुंचती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को निरंतर द्वारा बाहर निकाल देती है, ऐसी व्यवस्था सिर्फ कीटों में पाई जाती है। अब देखो केचुआ क्या है, केचुए के कक्षा 6 में अध्याय 6 में हमने कक्षा 6 के अध्याय 6 में किया है कि केचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं और केचुए की जो त्वचा है स्पर्श करने पर आर्द्र और क्या श्लेष्मी प्रतीत होती है। इसमें क्या है, इससे क्या गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है, यदि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथा वे अपनी त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मी होती है। अब देखो जल में श्वसन कैसे होता है, तो क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं, तो ऐसे अनेक जीव है जो जल में रहते हैं और वे जल में श्वसन कैसे करते हैं, तो आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्या क्लोम या गिल पाए जाते हैं और क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं, क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं, और आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वसन में सहायता करते हैं, क्लोम में रक्तवाहिनियां की संख्या अधिक होती है और जो गैस विनिमय में सहायता करती है, ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, क्लोम कहलाता है, क्लोम में क्या रक्तवाहिनियां होती है और जैसे ही ये इनको वायु के संपर्क या जल के संपर्क में आता है तो यहाँ से जो वायु जो जल में वायु है वो उसमें रक्तवाहिनियों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब देखो क्या है, क्या पादप भी श्वसन करते हैं, तो अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निमुक्त करते हैं, इनकी कोशिकाओं में भी क्या है ऑक्सीजन का उपयोग कर अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने कार्बन डाइऑक्साइड को निमुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, और पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति भी मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थान वायु अवकोशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले
लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों में अपनी उत्तरजीविता जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन की करने की आवश्यकता होती है। अब देखो, जो जड़ है उसमें जो सूक्ष्म मूल रोम या रोम पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, जो मिट्टी के कणों के बीच के जो रिक्त स्थान है वहां से श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, अब देखो इस पाठ से हमने क्या सीखा। तो देखो, श्वसन सभी जीवों को जीवित रखने के लिए अनिवार्य है, और यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निमुक्त करता है। हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार में ऊर्जा निमुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है, जिससे जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न होते हैं। अंतः श्वसन या निःश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उस श्वसन के साथ ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। कैचुओं में गैस का विनिमय उनकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में क्लोम से और कीटों में श्वास प्रणाली से होता है। पादप में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नहन सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, और जिससे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। इसी के साथ चैप्टर नंबर हमारा 6 जीवों में श्वसन समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।